क्लास 9th एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। ये 30 डेज का आपको दिया हुआ है, 30 डेज का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का। मेक अ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद द क्लास इंटरवल एज 0 to 0.04, 0.04 to 0.08। आपको ग्रुप फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है जिसका क्लास इंटरवल उन्होंने दे रखा है कि 0.04 का उस टेबल में डिफरेंस होना चाहिए। सेम वही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, 0.04 का हम बार बार डिफरेंस रखेंगे और इसमें चेक करते जाएंगे कितने हैं। 0 to 0.4 यानी 0.3 तक आपको देखना है। 0.4 किस में आएगा, नेक्स्ट इंटरवल में आएगा। तो 0 से 0.03 तक आपको चेक करना है। तो 0.3 का अगर आप चेक करेंगे 0 से 0.3, तो देखिए ये एक ये है, एक ये 0 से 0.4 के बीच में होना चाहिए। 4 मीन्स 0.3 तक, ये भी है, टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4। यानी 0 से 0.4 के बीच में कितने हैं, 4 फ्रीक्वेंसीज हैं। 0 से 0.4 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। टैली मार्क्स में हम कैसे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। इसी तरह से नेक्स्ट टेबल है हमारी 0.04 से 0.08। तो अगेन हम इसमें चेक करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना है। आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज। जैसे आपने ये काउंट कर लिया, अब इसको इरेज कर दीजिए, अब 0.04 से 0.07 तक आप चेक कीजिए। अब नेक्स्ट वाला चेक कर लीजिए कि 0.04 से 0.07 तक। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक, ये भी, यानी 4 से लेकर 7 तक के बीच में होना चाहिए। तो देखिए 0.04 से 0.07 तक के बीच कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9। देखिए ये 9 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह सभी इंटरवल्स का चेक करते जाएंगे। यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है काउंट करके और सबका टैली मार्क्स हम बनाते जाएंगे। इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रेडी है हमारी। काउंट एंड राइट, आपको स्कूल में पढ़ाया गया है कितनी बार कि सिर्फ काउंट करना है और लिखना है, चेक करना है कि उसके बीच में कितना आएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। कितने दिन के लिए जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.11 से ज़्यादा था। तो 0.11 से ज़्यादा, ये देखिए 0.11 से ज़्यादा यानी 0.12 से लेंगे हम। तो यहाँ पे कितने हैं, 2, 4, 2। इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। ये तीन वो डेज हैं
जब कॉन्सेंट्रेशन 0.11 से 0.11 से ज्यादा था, यानी टोटल कितने डेज ज्यादा था, 8 डेज। मोर देन 0.11 पार्ट्स इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2, 8 डेज।